करके उनको नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हाल ही में हमने कल देखा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की जो विदेश राज्य मंत्री श्री वी के सिंह साहब के द्वारा जो इस्तेमाल किए हुए लफ्ज हैं, वो भी जो हम चौथे स्तंभ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से उनके खिलाफ जो एक बहुत ही घिनौनी किस्म के जो अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए हैं, वो हमने देखा है कि वो भी ऐसे लोगों के जो हम कहते हैं कि चौथा स्तंभ जो कहते हैं उनके खिलाफ जो इस्तेमाल किए हैं, वो हम बहुत ही कंप्लीटली डिसग्रेस मानते हैं और उसकी निंदा करते हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ने कहा था एक वक्त कि ये सब बाजारू हैं, और आज वी के सिंह साहब उन्हें दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं। तो ये जो हम देखते हैं कि ये प्रोबेबली बीजेपी की जो है वो एक उनकी संस्कार जो हम कहेंगे वो बिल्कुल वैसे ही मानी जाएगी कि उनके जो संस्कार हम कहते हैं बीजेपी के, तो ये कोई नई बात नहीं होती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बाजारू कहते हैं और वी के सिंह साहब उन्हें कुछ और कहते हैं, जो जिसका मतलब दोनों एक जैसा हो जाता है। मोदी जी के ये वही मंत्री हैं जिन्होंने मौजूदा थल सेना अध्यक्ष को पद के अयोग्य करार दे दिया था तथा उनकी तुलना की एक अपराधी के साथ की थी। वो हम कभी नहीं भूल सकते जो हमने देखा था वी के सिंह साहब ने किया था। मोदी जी के ये वही मंत्री हैं जिन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल तेजेंद्र सिंह को टेट्रा ट्रैक मामले में 14 करोड़ की रिश्वत का इल्जाम लगाया था, और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जब बातचीत में सीडी की मांग की गई थी तो उन्होंने कहा था कि वो सीडी गुम हो चुकी है। तो उनके लिए बड़ी आसान सी बात है कि आरोप लगा देते हैं फिर कहते हैं कि वो सीडी जब मांगी जाती है कि जो प्रूफ कहाँ है, तो कहा जाता है कि वो गुम हो चुकी है। कन्वीनियंस जो है वो बिल्कुल लागू होता है सिर्फ उन पर। मोदी जी के ये वही मंत्री हैं जो अपने मंत्री पद की जिम्मेदारी को आत्मग्लानी बताते हैं। हम सब ने वो स्टेटमेंट भी बहुत रिसेंटली पढ़ा था कि श्री वी के सिंह साहब ने जो किया दिया था। मोदी जी के ये वही मंत्री हैं जिन्होंने यमन के फंसे भारतीयों की जान माल की सुरक्षा को आरोचक और निरस बताया था। ही सेड ये बिल्कुल भी डिसइंटरेस्टिंग है एंड इसमें कोई रोचक जैसी बात नहीं है। मोदी जी के ये वही मंत्री हैं जो थोड़ी सी आलोचना के चलते देश के पूरे मीडिया को वैश्यवृत्ति कहते हैं। वो प्रेस्टिट्यूट्स का जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है, बीच में सिर्फ एक लफ्ज को निकाल के सिर्फ एक दूसरा लफ्ज डाल के, वन वर्ड हैज बीन टेकन आउट एंड एक दूसरा लफ्ज उसमें डाल के उसको अलग ढंग से पेश किया, लेकिन उन सब का मतलब क्या होता है हम बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। मोदी जी के अनेक मंत्रियों के बारे में हम बोल सकते हैं कि जिन्होंने सांसद हो या मुख्यमंत्री हो, जिन्होंने इस तरह की बेफजुल की बेतुलना की बातें बहुत बार की हैं, साध्वी निरंजन ज्योति हैं, गिरिराज सिंह हैं, निहाल चंद्र हैं, संजीव बालियान हैं, रामशंकर कथेरिया हैं, साक्षी महाराज हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, लक्ष्मीकांत पारिस्कर हैं और मनोहर लाल खट्टर। इस तरह के काफ़ी लोग जो हम देख चुके हैं कि हर वक्त अपनी मनमानी से कोई ना कोई बात कह सकते हैं, कह देते हैं, और उसकी बिल्कुल भी तुलना नहीं करते, ये भी महसूस नहीं करते कि हमने कोई गलत बात की है तो उसको हमें रिट्रैक्ट करना चाहिए, कि उसके ऊपर हमें कोई शर्मगी दिखानी चाहिए या उसके साथ हमें किसी भी किस्म का एक शर्मनाक की बात होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं होता। कहते हैं कि बस सिंस हम लोग पावर में हैं ये हमारा बर्थ राइट हो जाता है, ये हमारा सिविल राइट हो जाता है कि हमारे मन में जो आए वो हम कहेंगे। तो हमें ये कहते हुए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मांग करते हैं कि ऐसे अपमानजनक आरोपनीय व उत्तंड व्यवहार के लिए श्री जनरल वी के सिंह को तुरंत बर्खास्त किया जाए, और इसमें हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। उनकी हम चाहते हैं कि उनको बिल्कुल बर्खास्त किया जाए, और हम यही कोशिश में लगे रहेंगे कि जब तक उनको बर्खास्त किया नहीं जाए उसके बारे में हम बात करते रहेंगे, लगातार उनसे कहते रहेंगे कि इस तरह के जो लफ्ज़ हैं, इस तरह की जो बातें हैं वो इस्तेमाल नहीं हो सकती हैं।
रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल के बारे में हम सब ने देखा है कि वो एक नया उन्होंने शुरू किया है सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। एक बात जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी ने और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है अरुण जेटली साहब ने जो कही है, ये जो वो बात करते रहते हैं अच्छे दिन की, ये जो अच्छे दिन की बात करते हैं वो पिछले 10 महीने से अच्छे दिन की बात कर रहे हैं। अच्छे दिन के बारे में कहते हैं कि अच्छा दिन आने वाला है, वी आर गोइंग टू ब्रिंग बैक गुड डेज एंड अच्छे दिन, वी आर गोइंग टू अशर इन अच्छे दिन। बट आई वुड लाइक टू ब्रिंग इट टू द नोटिस दैट द सेम फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब लास्ट ईयर ही हैड सेड दैट द टैक्स एग्जेम्पशन फ्रॉम 5 लाख्स विल बी ब्रॉट डाउन टू 2.5 लाख्स।